दीक्षा ने पूछा है आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा था? इंटरव्यू में मुझसे कॉलेज के बारे में भी पूछा था, उड़ीसा के बारे में भी पूछा था, मुझसे उड़ीसा की कैपिटल पूछी थी, कैपिटल से जगन्नाथपुरी कितना दूर है, मुझसे डिस्टेंस भी पूछी थी, मुझसे ये भी पूछा था कि आपने कोचिंग की है या नहीं की है, मुझसे ये भी पूछा था कि क्या बोलते हैं आपके फादर क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुझसे ट्राइब्स के बारे में पूछा था, एमपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ट्राइब्स होती हैं मेजरली, और मुझसे लॉ के सवाल पूछे गए थे जिसमें मेजरली सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे सारे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन बेस्ड भी थे। हाँ एप्लीकेशन बेस्ड भी थे सर। मुझसे एक ये पूछा गया था कि अगर एक माइनर है और उसकी एज को लेकर डिस्प्यूट है तो आप कौन से एविडेंस बुलाएंगे उसमें, तो मैंने कहा था कि उसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं है उसके पास, तो मैंने कहा उसकी मार्कशीट बुलाएंगे, तो बोले मार्कशीट, दो मार्कशीट है, अलग अलग डेट लिखी हुई है, फर्स्ट क्लास की मार्कशीट में एक अलग डेट है, फिफ्थ क्लास की मार्कशीट में एक अलग डेट है, तो आप कौन सी मार्कशीट को सही मानेंगे और क्यों मानेंगे, तो इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसमें।